मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये लाइन सुनते ही आपको मीरा की याद आ गई होगी। जी हाँ, मीरा अपनी पूरी जिंदगी कान्हा के लिए समर्पित कर दी थी। ऐसा ही कुछ हुआ है फरीदाबाद की रहने वाली कृष्ण भक्त प्रिया के साथ। प्रिया को कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो एक साल पहले वृंदावन में भगवान के साथ साथ फिरे ली। अब शादी की डेट यानी अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी खूब धूमधाम से मनाई है। दरअसल फरीदाबाद की रहने वाली प्रिया ने पिछले साल 29 नवंबर 2022 को पूरे रीति रिवाज के साथ वृंदावन में भगवान से शादी की थी। अब एनिवर्सरी मनाई है। एनिवर्सरी भी सामान्य तरीके से नहीं, इसके लिए होटल बुकिंग, सजावट और तो और मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को पहले मुरली और मोर के पंख से सजाया गया, उनको सेहरा पहनाया गया, जिसके बाद उनका रूप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। एनिवर्सरी में पहले स्टेज पर कान्हा को लाया गया, इसके बाद प्रिया की एंट्री हुई। दुल्हन की तरह सजी प्रिया कान्हा के सामने घूंघट ओढ़ कर आई। पति के रूप में विराजमान भगवान कान्हा को देख प्रिया अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और भजन पर डांस करने लगी। बता दें कि प्रिया ने पहली एनिवर्सरी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंच पर पहुंचने के बाद प्रिया ने भगवान को गले में वरमाला डाली, उसके बाद भगवान के हाथ से लगवा कर खुद वरमाला पहनी। इस एनिवर्सरी समारोह में मेहमानों के साथ साथ ब्रज के कई संत भी शामिल हुए। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।